डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा संविदा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक महान विचारक थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो समझौते हुए थे उसका विरोध किया था। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा ने पौधारोपण कार्यक्रम किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संविदा पार्क पहुंचकर 21 पौधों का पौधारोपण किया। वृक्षारोपण के दौरान 11 पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आग्रह पूर्वक अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो समझौते किए उसका विरोध किया था। कश्मीर में 370 लगाई गई, तब डॉक्टर मुखर्जी ने निर्णय लिया था कि एक अन्य राजनीतिक दल की आवश्यकता है। तब उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया और आज सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोविड काल में ऑक्सीजन की अहमियत सबको पता चल गई है। कोविड के डोज खत्म हो गए, नहीं तो और लोगों का टीकाकरण होता। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हम सावधान हैं। राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक हैं, उनके बलिदान दिवस से लेकर जन्मदिन तक ये वृक्षारोपण का अभियान हाथ में लिया है और आज हम धन्य हुए हैं अपने उन नेताओं के नाम पर वृक्षारोपण करके जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में अपने परिश्रम और पसीने से सींचा था, पुष्पित और पल्लवित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति हो, कुशाभाऊ ठाकरे जी की, प्यारेलाल खंडेलवाल जी की, नाना साहब की, कैलाश सारंग जी की, श्रद्धेय जोशी जी, पटवा जी, गौर साहब, सारे जो हमारे प्रमुख नेता थे उनके नाम पर भी हमने वृक्षारोपण किया। उनकी पुण्य स्मृति में इससे बड़ा काम और कोई हो नहीं सकता। वृक्ष ही ऑक्सीजन प्लांट है, वो पर्यावरण बचाने का काम करेंगे। ये काम केवल आज के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है, इसलिए मैं पार्टी का अभिनंदन करता हूँ। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हर मंडल स्तर पर कम से कम 11 पौधों का पौधारोपण हो रहा है। मुखर्जी के संकल्पों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। पर्यावरण हो या कोरोना, हर स्तर पर सरकार सजग है कि वैक्सीनेशन महाभियान में विश्व में प्रदेश ने इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि से लेकर के उनके जन्म जयंती तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक बूथ पर हमारी बूथ समिति 11 लोगों की जो होती है, तो 11 पौधे कम से कम प्रत्येक बूथ पर लगे। ये अभियान भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर लिया है। संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंध करके आज हम उस संकल्प को जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, ये देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। तो इस दिशा में आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम सब लोग वृक्षारोपण अभियान उनकी पुण्यतिथि के और जन्म जयंती के कार्यक्रमों से लेकर उनके ऊपर विचार गोष्ठी से हम इस दिशा में लगातार पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ आम समाज में इस भूमिका में जाने का प्रयास कर रहे हैं। आज कोविड के इस महामारी के संकट में इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये भी एक बड़ा हम सब लोगों के लिए चैलेंज है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं
दखल न्यूज़।